टेबल टॉपर्स के मुकाबले में मुंबई इंडियंस आमने सामने थी गुजरात टाइटंस से, और पहले बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस ने 218 रन का विशाल स्कोर अर्जित कर दिया है। ओपनिंग करने आए ईशान किशन और रोहित शर्मा, और आज रोहित शर्मा थोड़ी सी टच में वापस दिखे, 18 गेंदों में 29 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के लगाए, पर फिर राशिद खान की बेहतरीन गेंद के चलते वो आउट हो गए। ईशान किशन को भी चलता कर दिया राशिद खान ने, लेकिन सूर्य कुमार यादव के आगे कहां किसी की चलनी थी। 49 गेंदों के अंदर 103 रन बनाए, 11 चौके और 2 छक्कों की बदौलत अपना पहला आईपीएल शतक पूरा कर लिया, और इस सीजन का ये चौथा आईपीएल शतक था। हैरी ब्रूक, यशस्वी जायसवाल, वेंकटेश अय्यर के बाद इस सीजन में सूर्य कुमार यादव ने भी अब शतक जड़ दी है। विष्णु विनोद ने भी 30 रन की एक अच्छी पारी खेली, पर टिम डेविड और कैमरन ग्रीन का बल्ला कुछ खास नहीं कर पाया, पर सूर्य कुमार यादव ने सारी सुर्खियां बटोर ली, 218 का विशाल स्कोर अर्जित कर दिया है। सभी गेंदबाजों की आज पिटाई हुई। मोहम्मद शामी ने 4 ओवरों में 53 रन दिए, मोहित शर्मा ने 4 में 43, सिर्फ राशिद खान ऐसे एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्होंने 4 विकेट चटकाई और सिर्फ 30 रन दिए। पर अब गुजरात को जीत के लिए चाहिए 219 रन।